आप सभी को मेरी तरफ से जय हिंद। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 7 में विषय विज्ञान है, अध्याय 14 है विद्युत धारा और उसके प्रभाव। तो इसके हम अभ्यास के प्रश्न समझेंगे आज। तो अभ्यास के प्रश्नों में सबसे पहले है पहला प्रश्न है, विद्युत परिपथों के निम्नलिखित अवयवों को निरूपित करने वाले प्रतीक अपनी नोटबुक में खींचिए। संयोजक तार का स्विच ऑफ की स्थिति में विद्युत बल्ब, विद्युत सेल स्विच ऑन की स्थिति में। तो सबसे पहले देखो हम ये करते हैं, हमारे पास है सबसे पहले है देखो स्विच। तो स्विच का चित्र है हमारा, ये आपने देखना है, ये ओपन स्विच है, ऑफ की स्थिति में है स्विच जब ऑफ होता है। ये हमारी बैटरी है, जब दो सेल आपस में मिल जाते हैं उसका चिन्ह ये है। तो इसमें जो लंबे वाला दो डंडे लगे हुए हैं, इसमें एक छोटा है एक बड़ा है। तो इसमें जो बड़े वाला चिन्ह होता है वो सेल का धन टर्मिनल होता है, और जो छोटा होता है वो सेल का ऋण टर्मिनल होता है। फिर उसके बाद संयोजी तार है, संयोजी तार का चित्र ये है। फिर उसके बाद सेल, एक सेल का है ये, तो ये सेल का चित्र है, प्रतीक है। ये विद्युत बल्ब है, ये ऑफ की स्थिति में है विद्युत बल्ब। फिर स्विच ऑन की स्थिति में है ये, तो ये इसके प्रतीक हैं, ये आपने कर लेने हैं। फिर उसके बाद है हमारे पास अगला प्रश्न, प्रश्न 2, चित्र, ये चित्र है। चित्र में दर्शाए गए विद्युत परिपथ को निरूपित करने के लिए परिपथ आरेख खींचिए। तो ये चित्र दिया है, इसका आरेख बनाना है। तो इसमें देखो एक सेल लगा हुआ है, तो सेल ये हमने लगा दिया। फिर ये स्विच लगाया है, स्विच ये ऑन की स्थिति में कर दिया। और ये बल्ब है, तो ये बल्ब का संकेत बना दिया। और ये तारे हैं, तो तारों के लिए ये संयोजी तारें हमने लगा दी। तो ये इसका विद्युत आरेख है, परिपथ का आरेख, तो आपने इस तरह से बनाना है ये। फिर उसके बाद है प्रश्न 3, ये हमारे पास चार सेल दिए गए हैं चित्र में ये, तो इनको हम किस तरह से लगाएं कि बैटरी में ये बल्ब जल जाए। तो बैटरी हम किस तरह से बनाएंगे इनको, तो सेलों को से बैटरी बनाने के लिए हम एक सेल का धन टर्मिनल दू हमेशा अन्य सेल के ऋण टर्मिनल से जोड़ते हैं, जैसे इसमें दिखाया गया है। देखो इसमें है, ये पहला सेल है, ये दूसरा सेल है, और ये तीसरा, ये चौथा। तो पहले सेल का ऋण टर्मिनल दूसरे सेल के धन टर्मिनल से जोड़ा है हमने ऐसे, और फिर दूसरे सेल का ऋण टर्मिनल पहले सेल के धन टर्मिनल से जोड़ा है, फिर दूसरे का ऋण टर्मिनल तीसरे के, यानी तीसरे का ऋण टर्मिनल चौथे के धन टर्मिनल से जोड़ा है। तो इस तरह से हम सेलों को जोड़ते हैं, यानी एक सेल के ऋण टर्मिनल को दूसरे के धन टर्मिनल से जोड़ना है। फिर उसके बाद है अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न 4, ये चित्र है। तो ये कह रहा है चित्र में दर्शाए अनुसार हमने सेल लगाए हैं, बल्ब लगाया है, लेकिन इसमें बल्ब नहीं जल रहा है, तो इसका क्या कारण हो सकता है। तो देखो इसमें ये सेल जो लगे हुए हैं, तो यहाँ पे देखो ये और ये दोनों टर्मिनल जो हैं धन टर्मिनल हैं जो आपस में जोड़े गए हैं, तो यही कारण है। इसमें देखो कुंजी भी लगी हुई है, बल्ब इसमें फिर भी नहीं जला, तो इसका कारण क्या है कि ये दोनों सेल जो हैं गलत लगे हुए हैं। इसमें इसमें जो धन टर्मिनल है उसको ऋण टर्मिनल के साथ जोड़ना है,
इसमें चित्र में दर्शाया गया है फिर सही तरीके से, तभी बल्ब जलेगा। तो ये देखो इसमें ये सेल लगाए हैं अब इसमें, तो इसमें लिखा हुआ है एक सेल को धन टर्मिनल हमेशा दूसरे सेल के ऋण टर्मिनल से जोड़ा होता है। यहाँ दो धन टर्मिनल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं इसलिए परिपथ सही नहीं है। तो सही परिपथ ये बनाया गया है। फिर इसमें जमा, फिर माइनस, फिर जमा और फिर माइनस, इस तरह से ये टर्मिनल बनाए गए हैं। तो ये इस तरह से जोड़ने हैं। फिर उसके बाद है हमारे पास अगला प्रश्न, प्रश्न चार, ये प्रश्न पाँच है। विद्युत धारा के दो प्रभावों के नाम लिखिए। तो विद्युत धारा के दो प्रभाव हैं, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव और विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो विद्युत धारा का तापीय प्रभाव क्या होता है? जब विद्युत धारा किसी तार में से प्रवाहित होती है तो वह गर्म हो जाती है, तो इसे हम विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। जैसे विद्युत हीटर है, विद्युत प्रेस है, विद्युत बल्ब है, तो जब इनमें से विद्युत धारा गुजरती है तो ये गर्म हो जाते हैं, तो ये विद्युत धारा का तापीय प्रभाव है। फिर है दूसरा विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो जब विद्युत धारा किसी तार के माध्यम से बहता है, तो यानी जब कि कोई विद्युत धारा किसी भी तार में से प्रवाहित होती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इस प्रभाव को विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। तो जैसे विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से हम विद्युत चुंबक बनाते हैं, और विद्युत चुंबक का प्रयोग हम बिजली की लिफ्ट में करते हैं, बिजली की घंटी होती है जो उसमें करते हैं, पंखा है, विद्युत मोटर है, विद्युत जनरेटर है और विद्युत क्रेन होती हैं, तो उनमें हम इनका उपयोग करते हैं। फिर उसके बाद है छठा प्रश्न। जब किसी तार में प्रवाहित करने के लिए स्विच को ऑन करते हैं तो तार के निकट रखी चुंबकीय सुई अपनी उत्तर दक्षिण दिशा में विक्षेपित हो जाती है, स्पष्ट कीजिए। तो इसका क्या कारण है? ये प्रश्न पूछता है कि जब किसी चालक तार में से बिजली गुजारते हैं तो उसके पास एक चुंबकीय सुई अगर रखी हो तो वो अपनी स्थिति से हिल जाती है, तो इसका क्या कारण है? तो इसका कारण ये है कि जब भी किसी तार में से विद्युत धारा गुजारते हैं तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है, जो अभी हमने ऊपर किया विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, तो उसके कारण उसके तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है। और जब भी उस चुंबकीय क्षेत्र के पास कोई चुंबकीय सुई रखेंगे तो वो या तो चुंबकीय जो क्षेत्र है उसकी तरफ आकर्षित होगी या उससे दूर भागेगी। इसलिए जब भी किसी चालक तार में से विद्युत धारा गुजारेंगे तो उसके पास रखी हुई चुंबकीय सुई विक्षेपित हो जाती है, अपने स्थान से हिल जाती है। फिर उसके बाद अगर हम विद्युत स्विच ऑफ कर देते हैं सातवें प्रश्न में, तो चुंबकीय सुई विक्षेपित नहीं होती। तो इसका कारण ये है कि क्योंकि जब चालक तार में से विद्युत धारा नहीं गुजरती तो वो विद्युत चुंबक नहीं बनती, और जब विद्युत चुंबक नहीं बनेगी तो विद्युत चुंबकीय सुई जो है या चुंबकीय सुई उसकी तरफ विक्षेपित नहीं होगी, तो इसका कारण ये है। फिर उसके बाद आठवां प्रश्न है। तो आठवां प्रश्न से पहले अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार इसका सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दें ताकि आपको सभी वीडियो मिलती रहें। फिर आठवां प्रश्न है इसके, अब ये खाली स्थान भरेंगे हम। तो आठवें प्रश्न का क्या भाग है? विद्युत सेल के प्रतीक में लंबी रेखा, जो मैंने अभी पीछे बताई थी विद्युत सेल का जो प्रतीक होता है उसमें लंबी और रेखा होती है, एक छोटी होती है। तो लंबी रेखा जो है धन टर्मिनल को निरूपित करती है और छोटी ऋण टर्मिनल को। फिर दूसरा है दो या दो से अधिक सेलों से को जब जोड़ देते हैं हम तो उससे बैटरी बनती है। तीसरा है गैर भाग,
जब किसी विद्युत हीटर में स्विच ऑन करते हैं तो उसका अवयव लाल रक्त हो जाता है, लाल तप्त हो जाता है। अवयव है उसका फिलामेंट, यानी जो हीटर की तार होती है वो लाल हो जाती है, उसको उसका अवयव कहते हैं। फिर उसके बाद है विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित सुरक्षा युक्ति को फ्यूज कहते हैं, जो हमारे घरों में सभी उपकरणों की रक्षा करता है। फिर उसके बाद है नौवां प्रश्न। नौवें प्रश्न में सत्य असत्य है, तो यहाँ से करेंगे हम शुरू। तो नौवें प्रश्न में देखो, दो सेलों की बैटरी बनाने के लिए एक सेल के ऋण टर्मिनल को दूसरे सेल के ऋण टर्मिनल से संयोजित किए करते हैं, तो ये गलत है, क्योंकि ऋण टर्मिनल को दूसरे सेल के धन टर्मिनल से संयोजित करेंगे तो ये असत्य है। फिर दूसरा है खैबाग, किसी फ्यूज में किसी निश्चित सीमा से अधिक विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह पिघल कर टूट जाता है, तो ये सही है, सत्य है। फिर विद्युत, अगला है गैरभाग, विद्युत चुंबक चुंबकीय पदार्थों को आकर्षित नहीं करता, तो ये असत्य है, वो आकर्षित करता है। फिर अगला गैरभाग है, विद्युत घंटी में चुंबकीय विद्युत चुंबक होता है, तो ये सही है, सत्य है। फिर उसके बाद 10वां प्रश्न है हमारे पास, क्या विद्युत चुंबक का उपयोग किसी कचरे से प्लास्टिक को अलग करने में किया जा सकता है, तो इसका उत्तर आएगा नहीं, क्योंकि चुंबकीय सुई जो विद्युत चुंबक होता है वो केवल लोहे से बनी वस्तुएं या चुंबकीय वस्तुओं को ही अपनी तरफ आकर्षित कर सकता है, प्लास्टिक को अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सकता, क्योंकि प्लास्टिक चुंबकीय पदार्थ नहीं है, इसलिए हम इसका उपयोग कचरे के को पृथक करने में नहीं कर सकते, प्लास्टिक को अलग करने में नहीं कर सकते। फिर उसके बाद है विद्युत मिस्त्री अपने घर में विद्युत परिपथ की मरम्मत करता है और वो तांबे की तार का फ्यूज के रूप में उपयोग करता है, तो क्या ये सही है? तो ये गलत है, यानी हम तांबे की तार का उपयोग विद्युत फ्यूज के रूप में नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि फ्यूज तार जो होती है मिश्र धातु की बनी होती है और वो अगर उसमें एक सीमा से अधिक विद्युत धारा आ जाती है, बह जाती है, तो वह पिघल कर टूट जाती है और घर के सभी उपकरणों की रक्षा करती है। लेकिन अगर हम उसकी जगह तांबे की तार लगाएंगे तो वो गर्म नहीं होगी, टूटेगी भी नहीं, और जिसके कारण बहुत अधिक विद्युत धारा घर के सभी उपकरणों में बहनी शुरू हो जाएगी, जिससे हमारी तारें जो हैं वो गर्म होके शॉर्ट सर्किट हो सकता है और हमारे घर के उपकरण खराब हो सकते हैं। इसलिए हमें मानक फ्यूज तार का ही उपयोग करना चाहिए, या MC अब आने लगी है। MC में क्या होता है, विद्युत फ्यूज की जरूरत नहीं होती उसमें, उसमें अगर ज़्यादा विद्युत धारा आती है तो MC अपने आप गिर जाती है, लाइन कट जाती है और हमारे सभी उपकरण बच जाते हैं। फिर उसके बाद अगला प्रश्न है 12वां, तो इसमें जुवेदा ने स्विच में एक सर्किट में एक स्विच लगाया, बल्ब लगाया, सेल लगाए, लेकिन बल्ब नहीं जला, तो उसके क्या कारण हो सकते हैं? तो उसके कारण हो सकते हैं या तो बल्ब फ्यूज हो गया, या सेल ठीक नहीं जुड़े, यानी प्लस माइनस के साइन सही नहीं जुड़े, या कनेक्शन ढीले होंगे, जोड़ ढीले होंगे, या स्विच अच्छी तरह से काम नहीं कर रहा, या सेल जो है उनकी शक्ति कमज़ोर हो गई है, समाप्त हो गई है। फिर 13वां प्रश्न है, स्विच ऑफ की स्थिति में है तो क्या बल्ब दीप्त होगा? अगर ये स्विच ऑफ की स्थिति में है तो बल्ब दीप्त नहीं होगा, क्योंकि परिपथ खुला है, तो परिपथ बंद होना चाहिए तब जाके ये बल्ब ऑन होते हैं। तो अगर स्विच ऑन कर देते हैं, यानी स्विच को ऐसे आपस में मिला देते हैं, बंद कर देते हैं, तो परिपथ बंद हो जाएगा और तीनों बल्ब जो है ABC तीनों बल्ब एक साथ जलेंगे। तो आपकी वीडियो ने आपने ये अभ्यास के प्रश्न समझे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये जा सके। थैंक यू।